टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन। पता क्या है, ये कर्व का इक्वेशन, ये कर्व इसका इक्वेशन है, और इस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है -2, 1, ये कर्व का एक पॉइंट, उस पॉइंट पर ये है टेंजेंट जो टच करके जा रही है, और ये है नॉर्मल यानी जो परपेंडिकुलर, एक ही पॉइंट है जिस पर टेंजेंट भी है और मेन टेंजेंट रहती है जो टच करके जा रही है, उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर निकाल लेना, इसे कहते हैं नॉर्मल। अब हमें दोनों की इक्वेशन निकालना, अब दोनों की इक्वेशन का फॉर्मूला सेम ही है, क्यों भाई? पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज क्या है, दोनों टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, दोनों लाइन्स है और दोनों लाइन एक पॉइंट से जा रही है, अगर किसी पॉइंट से कोई लाइन जाती है तो उसका इक्वेशन रहता है y-y1 × x, तो टेंजेंट का इक्वेशन भी वही है और नॉर्मल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y-y1 × x, कोई भी लाइन हो अगर किसी पॉइंट से जा रही है तो उसकी इक्वेशन ये, बस फर्क है कि इसका स्लोप दोनों का अलग अलग रहेगा, पॉइंट तो वही है x1 y1, लेकिन स्लोप अलग अलग, इसको m1 नाम देंगे इसको, यानी हमें पहले दोनों की स्लोप निकालनी पड़ेगी, पॉइंट तो रेडी है अपने पास x1 y1, ये जो पॉइंट है ना -2, 1, ये x1 हो गया, x2 हो गया, पॉइंट रेडी, सॉरी x1 और y1 हो गया, लेकिन अब पता हमें चाहिए स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालें, सबसे मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला, एक बार टेंजेंट का स्लोप निकालना कि नॉर्मल का मिल जाए, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालें, टेंजेंट का स्लोप निकालना यानी क्या होता है, डेरिवेटिव को ही बोलते हैं टेंजेंट का स्लोप, किसका डेरिवेटिव, कर्व का डेरिवेटिव, आपको कोई फिगर वगैरह निकालनी नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना, पहले लिखता हूं गिवन कर्व इज, कौन सा कर्व है ये, अब उसका जो डेरिवेटिव करोगे dy/dx जो आएगा उसी को स्लोप कहेंगे, अब होता क्या, आप यहाँ पे dy/dx निकाल के रख दे, इसी को बोलते हैं स्लोप, लेकिन वो नंबर में नहीं रहता, वो x और y में है, अब आप dy/dx का आंसर निकालोगे तो x और y में जाएगा, तो हमें वो नंबर में चाहिए, इसी को स्लोप बोलते हैं, लेकिन हम निकालेंगे नंबर में कैसे निकाल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट, -2, टेंजेंट का स्लोप कौन से पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है, -2, 1 पर टेंजेंट, तो उसका स्लोप क्या, स्लोप निकाल लो, वैल्यू पुट करो, तो उसका फॉर्मूला है स्लोप का, ये जो dy/dx है ना इसी को स्लोप बोलते हैं, dy/dx है स्लोप, नाम m1 देंगे, लेकिन ये जो dy/dx है यानी स्लोप ये xy में है, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो, कौन सी, -2, 1, वो जो टचिंग पॉइंट है वो पुट कर दो, आंसर नंबर पे आ जाएगा, एक बार तुम्हें स्लोप मिल गया बस हो गया, फिर इक्वेशन आप कहेंगे, तो चलो लेकिन इसके लिए पहले आपको dy/dx निकालना पड़ेगा, तो शुरुआत उससे करनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, पहले आप डेरिवेटिव करो, लेट y इक्वल टू मत लेना, ऑलरेडी इक्वल टू है, इसमें ऑलरेडी इक्वल टू है, लेट y इक्वल टू इसमें नहीं पड़ता, अब देख के बराबर बताओ कौन सा लग रहा है, कांस्टेंट ने सबको मल्टीप्लाई, सभी टर्म स्क्वायर रूट, सबका एक एकज पावर ऐसा, या न्यूमरेटर में 1 और सबके सब नीचे, ऐसा एक भी नहीं, तो ग्रुप ए नहीं लगता, तो ग्रुप बी एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये ज्यादा टर्म रहे तो प्रोडक्ट, ये ज्यादा टर्म है ना ग्रुप बी लग रहा है, तो ग्रुप बी का कैसा है, डीडीएक्स का सिंबल अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो सबको लगेगा, जीरो को लगाएंगे तो उसका तो जीरो जाता, चलो करो सबको अलग अलग कर दो, एक्स पावर 4 का 4x, लेकिन यहाँ पे लेकिन प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, पहले पास्ट टर्म बाहर निकाल दें, एक्स और वाई दोनों डिफरेंट फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल बीच में लग रहा है तो आंसर ब्रैकेट में, क्या होगा प्रोडक्ट रूल कैसे बताओ, फर्स्ट टर्म डीडीएक्स ऑफ सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म ब्रैकेट में, ग्रुप बी बीच में लगा, देखो यहाँ पे ग्रुप बी स्टार्टिंग में लगा है एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ग्रुप बी जो लग रहा है वो बीच में लग रहा है तो ब्रैकेट आएगा, बताओ ये -7 बोलो, यहाँ पे भी ग्रुप बी है, कैसा है ग्रुप बी, प्रोडक्ट रूल कैसा है, फर्स्ट टर्म डीडीएक्स ऑफ सेकंड, सेकंड डीडीएक्स ऑफ फर्स्ट, उधर 7 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, दो जगह प्रोडक्ट रूल लगा तो दोनों आंसर ब्रैकेट में, ये है 4x³ -2, चलो बताओ x, y² का डेरिवेटिव क्या होगा,
जैसा एक्स स्क्वायर का होता है वैसा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स तो वाई स्क्वायर का टू है, लेकिन वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई स्क्वायर, एक्स का कितना होता है वन, देखो मत ब्रैकेट रहने देना, एक्स स्क्वायर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का टू एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब डेरिवेटिव फिनिश हो गया, लेकिन आपको वैल्यू पूछी चाहिए डी बाई बाई फिर, ये टाइप पड़े हम इम्प्लिसिट फंक्शन का टाइप पड़े, ये वही टाइप पड़े, एक्स और वाई सब मिक्स है, तो जब एक्स और वाई मिक्स आते हैं दो बार वाई आया तो डी वाई बाई डी एक्स भी दो बार आया, पहले डी वाई डी दो बार दिखा रहे, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए एक बार, तो फिर हम क्या करेंगे, तो जितने भी ब्रैकेट है पहले उनको सॉल्व कर लो, तो क्या होगा ये फोर एक्स क्यू माइनस टू टू जो फोर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा माइनस फोर्टीन एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये टू और ये सेवन। अब इनमें से किसी का एडिशन हो सकता है तो कर लेना भाई, ये एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब नहीं है, ये एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई है डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये वाई स्क्वायर और नहीं है, कोई सब अलग अलग, सब जब डिफरेंट रहे तो क्या करना, ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए वो भी एक बार, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कितनी बार है दो बार, तो उन दोनों को एक जगह कलेक्ट करो, एक जगह ऑलरेडी है वो, ये माइनस फोर एक्स और वो कौन है माइनस सेवन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, जो को एक जगह कलेक्ट करना पड़ता है, ऑलरेडी एक जगह है जो लेफ्ट हैंड साइड में दो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, तो एक ही को लेके जाओ, माइनस फोर्टीन का होगा प्लस फोर्टीन, ये माइनस टू वाई स्क्वायर का प्लस टू वाई स्क्वायर और प्लस फोर एक्स क्यूब का माइनस टू, सब उधर भेज दो ठीक है। और अब उसके बाद अब डी वाई बाई एक्स निकालो, कलेक्ट को एक जगह अब कॉमन निकालो, कितना होता है कॉमन निकालो तो माइनस फोर एक्स वाई माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, और ये जैसा है वैसा। अब ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, करो डिवाइड, हाँ बोलो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर्टीन एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स वाई माइनस, ये हो गया डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। अब ये जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स इसी को हम स्लोप बोलते हैं, लेकिन स्लोप हमेशा नंबर में चाहिए, स्लोप कैसे चाहिए नंबर में, नंबर में कैसे लें, तो पहले लिखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप कौन से पॉइंट पर एट माइनस टू पर, उसी पॉइंट पर टेंजेंट है ना, बताओ स्लोप को यम वन नाम दे दे, स्लोप यानी होता है डी वाई बाय डी एक्स, यही स्लोप है, लेकिन ये कौन से पॉइंट पर चाहिए हमें माइनस टू, तो आप इसी में वैल्यू पुट कर देना, फोर्टीन एक्स की जगह माइनस टू लिखना और वाई की जगह वन लिख दो, वाई की जगह वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स की वैल्यू माइनस टू का स्क्वायर, स्क्वायर है जने क्यूब है, बोलो माइनस फोर एक्स की माइनस टू वाई की वन एक्स की माइनस टू, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये माइनस ट्वेंटी एट वन स्क्वायर वन वन टू जा टू माइनस टू का क्यूब कितना होगा माइनस एट, एट फोर जा थर्टी टू तो प्लस थर्टी टू होगा, फोर टू जा एट माइनस माइनस प्लस, ये होगा फोर, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, ये प्लस होगा ये माइनस कितना होगा माइनस, कितना है ये होगा माइनस ट्वेंटी डिग्री कितना होगा फोर, फोर प्लस टू सिक्स और ये माइनस ट्वेंटी, अब और कटता है ना थ्री जाओ टेन, ये हो गया स्लोप कितना माइनस थ्री बाई टेन, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो इक्वेशन मिल जाए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हाँ आप एक काम करते ना एट माइनस टू वन एट एक्स वन वाई वन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है एक्स वन वाई वन यानी कि माइनस टू वन, क्या है टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस वाई वन यम टू, अब हमने इस स्लोप को नाम के लिए यम, अब इसमें वैल्यू पुट करो क्या है वाई वन यम वन, स्लोप कितना है एक्स माइनस एक्स वन कितना है माइनस टू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू, अब ये टेन इधर एक्स का करो जितना जल्दी करो अच्छा है,
तीन इधर आएगा तो तीन मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा थ्री वाई माइनस थ्री है ना, और माइनस थ्री उधर करेगा तो माइनस थ्री एक्स माइनस एक समीक्षा पॉजिटिव लिखना इसको इधर लिख जाना थ्री एक्स प्लस टेन वाई ये इधर गया तो सिक्स थ्री होगा माइनस ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा बॉक्स कर देना उसको आगे ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन वैसी नॉर्मल का इक्वेशन दोनों का फॉर्मूला सेम है बच्चे यहाँ पे स्लोप एम वन है यहाँ पे स्लोप ये हो गया तो टेंजेंट का स्लोप ये नॉर्मल का स्लोप अब बताओ नॉर्मल का स्लोप कैसे निकले तो फिर क्या लिखना पड़ेगा नॉर्मल का स्लोप कितना होगा बताओ टेंजेंट का स्लोप कितना है माइनस थ्री बाई टू नॉर्मल का स्लोप कितना टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को कैसे रहते पैरेलल होते तो सेम होता सेम होता है एम वन माइनस थ्री बाय टेन तो एम टू भी माइनस थ्री बाय टेन है जितना अगर पैरेलल होते परपेंडिकुलर तो उल्टा होता है क्या लिखना सीज नॉर्मल इज क्या परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट माइनस टू स्लोप को क्या नाम दे सकते हैं एम टू जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट एम वन दिया था स्लोप ऑफ नॉर्मल के एम टू और डायरेक्ट लिख देना टेंजेंट के स्लोप को फॉर्मूले से निकालते यानी डी वाई बाई डी एक्स में वैल्यू पुट करके निकालते सबसे मेन काम यही रहता है नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट ये माइनस थ्री बाई टेन है कितना होगा टेन बाई थ्री बस उसका उल्टा लिख देना साइन चेंज करना लिखिए निगेटिव है तो अब देखो जैसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकाला एम वन फिर टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप की जरूरत पड़ती है ना इसके पहले स्लोप निकाला फिर इक्वेशन वैसे नॉर्मल का क्या निकाला हमने नॉर्मल का स्लोप अब नॉर्मल का इक्वेशन अब बोलो y माइनस वाई वन क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट माइनस टू वन इज उसी पॉइंट क्या बताओ y माइनस वाई वन कितना है वन एम टू कितना है टेन बाई थ्री एक्स माइनस एक्स वन कितना है माइनस टू थ्री माइनस माइनस कर दो प्लस थ्री तो आया दो थ्री टेन ने किया तो और एक समीक्षा पॉजिटिव चाहिए ऑलरेडी पॉजिटिव अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उधर लिखे जाओ ये रहने तो इसको लिख जाओ और ये ट्वेंटी और ये थ्री कितना है फिर इधर जीरो क्या हो गया टेन एक्स माइनस थ्री वाई प्लस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जीरो ऐसा बॉक्स कर लो ठीक है ये टेंजेंट का और एक बस इसमें मेन डेरिवेटिव का काम क्या डेरिवेटिव का काम है सिर्फ स्टार्टिंग में डिवाइड बाय डिक्स निकालना बाकी अपना ये इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कांसेप्ट है फॉर एग्जांपल टेंजेंट का स्लोप निकालने के बाद टेंजेंट का क्या इक्वेशन ये लाइंस का इक्वेशन पढ़े नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट के उल्टा नॉर्मल इक्वेशन इसमें डेरिवेटिव का काम सिर्फ इतना है कि डिवाइड बाय डिक्स निकालो और वो जो डिवाइड बाय डिक्स है उसी को क्या बोलते हैं ऐसा इधर भी लगा ठीक है क्या होगा इधर x साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है साइन x इसको x बोलना साइन x का cos x इनटू dx ऑफ x 2y का dy बाय ये एडिटिव x का डेरिवेटिव वन होता है मतलब y cos x का माइनस साइन x फिर dx ऑफ x x का 2 होता है x का 1 होता है मतलब ये cos 2x है और y का क्या होता है dy बाय अब ये अच्छे तरह से लिखो ये 2x है cos 2y है dy बाय dx प्लस क्या है sin 2y ये कितना होगा माइनस 2y sin 2x होगा और प्लस cos 2x dy बाय dx होता क्या है प्रॉब्लम में y दो जगह है इसलिए डेरिवेटिव भी दो जगह लेकिन हमें चाहिए एक बात
तो डी वाई बाई डी एक्स एक जगह कलेक्ट करो, जैसे ये 2x cos 2y dy by dx ही है, उसको इधर लाओ तो प्लस का क्या होगा, इधर प्लस का होगा माइनस, तो प्लस का इधर क्योंकि हमारी इस कलेक्ट होगी एक जगह, बाकी सब उधर भेज दो, उधर भेज दो, उसी को भेज दिया तो ज्यादा अच्छा होगा, जाने दो माइनस 2y, बताओ ये गए तो क्या होगा, प्लस का क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे डिवाइडेड एक्स कॉमन निकाल, क्या होता है 2x cos 2y माइनस cos 2x, और इधर ये है डिवाइडेड एक्स कॉमन निकाल, ये कॉमन निकाल के बाद उसको उधर कर दो डिवाइड, ये एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई वाला क्या करता है डिवाइड, ओके। लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स है, हमें क्या चाहिए स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट है पाई बाय फोर पाई बाय टू, तो स्लोप को यम वन नाम दे रहे हैं, स्लोप है नहीं क्या, ये डी वाई बाई डी, बस यहाँ पे क्या लिख दो पाई बाय फोर और पाई बाय, अब जहां पे वाई है वहां पे पाई बाय टू लिखो, साइन टू एक्स है वहां पे क्या लिखो फाइव बाय फोर, साइन टू वाई की वैल्यू फाइव बाय टू, एक्स की वैल्यू फाइव बाय फोर, वाई की वैल्यू फाइव बाय टू, एक्स की वैल्यू फाइव बाय टू, जहां पे वाई था वहां फाइव बाय टू लिखा, क्या हो गया बताओ, ये टू टू कटता है माइनस फाइव, और ये हो गया साइन टू टू कट गया फाइव बाई टू, और टू टू कट गया फाइव, ये टू टू कट गया फाइव बाय टू हो जाएगा, ये टू टू कट गया कॉस फाइव होगा, ये टू टू कट गया तो कॉस फाइव बाई टू, अब बताओ ये माइनस फाइव, साइन नाइन्टी कितना होता है, नाइन्टी नाइन्टी रहता है ऊपर जीरो वन, तो साइन नाइन्टी कितना वन, और साइन पाई पाई इधर साइन पाई कितना जीरो, कॉस पाई कितना कॉस पाई माइनस वन, कॉस नाइनटी जीरो, अब कितना है रेंज, वो होगा माइनस पाई, वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, और ये है माइनस पाई, बताओ ये टू कहा जाएगा, हाँ ऊपर टू पाई है ना, और नीचे क्या है पाई, तो आंसर कितना है टू, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, तो बताओ फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन पाई बाय फोर माइनस पाई, क्या है टेंजेंट का इक्वेशन वाई माइनस वाई वन, ये एम वन लिखा है, वाई वन कौन है फाइव बाई टू, एम वन स्लोप कितना है टू, एक्स वन है फाइव बाई टू, ये वाई माइनस फाइव बाई टू रहने दो, टू से मल्टीप्लाई करो टू एक्स माइनस फाइव बाई टू, अब बताओ क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, तो इक्वेशन क्या होगा प्लस वाई का उधर माइनस वाई कर दिया, शिफ्ट कर दिया, अब ये हो गया टेंजेंट का, अब किसका नॉर्मल, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, बोलो क्या है नॉर्मल का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप कितना है टू, तो नॉर्मल का क्या होगा, और टू बाय वन है तो वन बाय टू, साइन अब स्लोप मिल गया, क्या इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स, अब वाई माइनस कौन है वाई वन, यहां पे लिखना एट फाइव बाय फोर फाइव बाय थ्री, वाई वन की वैल्यू फाइव बाय टू, एम टू
माइनस वन पर एक्स माइनस, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करते रहना, ये है y माइनस y बाय टू, नहीं पहले टू से करो, टू इधर आ गया तो कितना हो जाएगा टू वाई, और टू ने इसे मल्टीप्लाई किया तो y, इधर माइनस वन ने किया तो माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस y बाय टू। अब क्या होगा, x को इधर शिफ्ट करो, ऐसा हो जाए, x शिफ्ट किया ये एज इट इज, इसको भी शिफ्ट किया, बताओ माइनस पाई माइनस पाई बट माइनस टू पाई माइनस पाई माइनस, ये है इक्वेशन इसका, कैलकुलेशन का पार्ट है, हुई कोई बच नहीं सकता उससे, है ना, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट टर्म साइन का ड्यू टू टू वाई का टू जब एज इट इज एक्स का वन, फर्स्ट का माइनस साइन टू एक्स का टू एज इट इज वाई का डिवाइड बाई एक्स, फिर ये अच्छे से लिख दो थोड़ा सा, फिर डिवाइड बाई एक्स दो बार है तो एक जगह लाया, ये एज इट इज उसको इधर लाया और बाकी सब उधर शिफ्ट करो, डिवाइड एक्स कॉमन निकल आइए और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड ये हो गया डिवाइड, फिर ये स्लोप है स्लोप ऑफ टेन, ये जो है ना डिवाइड बाई एक्स यही पे वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस टू वाई की पाई बाई टू साइन टू एक्स की पाई बाई फोर माइनस टू वाई की पाई बाई टू टू एक्स की पाई बाई फोर प्लस टू वाई की पाई बाई टू एक्स की पाई बाई, उसके बाद क्या सॉल्व करने के लिए काम, टू टू कट गया माइनस फाई, ये टू टू जाता है पाई बाई टू, टू टू कट गया पाई, ये टू टू कट गया पाई बाई टू, ये टू टू कट गया पाई, ये टू प्लस हो जाए, साइन नाइनटी वन होता है साइन पाई जीरो होता है कॉस पाई माइनस वन होता है कॉस नाइनटी जीरो, ये माइनस फाइव माइनस फाइव बाई टू, ये टू ऊपर जाता है फाइव फाइव कटता है टू, अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला वाई की वैल्यू है फाइव बाई टू एक्स की वैल्यू फाइव बाई टू, स्लोप कितना है टू, ये टू एक्स होगा टू कटेगा ना फाइव बाई टू, ये दोनों कैंसिल, ये इतना मिस, फिर अगर टेंजेंट का स्लोप अगर टू है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा उसका हो जाएगा टू बाई वन का वन बाई टू सही, फिर टेंजेंट नॉर्मल ही इक्वेशन वाई माइनस वाई वन फाइव बाई टू m2 minus 1 by x, x1 कितना पाई बाय, अब ये 2 इधर आएगा तो 2y होगा और 2 इधर आएगा तो 2 2 कटेगा पाई बचेगा, कैसे पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस में मल्टीप्लाई किया इधर इधर, वो 2 उधर गया माइनस आ रहा, हां माइनस रहा तो क्या होगा माइनस x और माइनस करने के बाद क्या आएगा पाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये होगा इसको इधर शिफ्ट किया ये आ, ये कौन है माइनस फाइव और ये कितना होगा माइनस फाइव, देखो ये गलती की आपने जैसे मैंने की और मैंने सॉल्व कर लिया और गया हो गया अभी पूरा, और यही होता है बोर्ड की पेपर में हमें क्या लगता है कि हमारा पूरा सही है, फिर हम दूसरा प्रॉब्लम करने के पीछे लग जाते हैं क्योंकि हमें पता रहता आपने सही है करके सब कुछ सही है, हम उस समय चेक नहीं करते, एक्चुअली क्या होता है उसी समय चेक करना चाहिए क्योंकि अपना माइंड पूरा उसी में इन्वॉल्व है, दूसरे चैप्टर में दूसरे प्रॉब्लम में उसी में, तो फटाफट चेक भी होता है क्योंकि उसी में रहता है, गलती होगी तो पता चलता है अरे गलती होगी, और तुम क्या सोचते हो कि पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद फिर मैं चेकिंग के लिए बैठते हो वही तो गए तुम्हारे, कोई गारंटी नहीं थी कई जगह शायद गलत हुआ होगा तुम करेक्ट नहीं कर पाओगे, हालांकि तुम्हारे हाथ के मार्ग रहते हो ऐसी गलती हो जाती जैसे मेरी गलती, माइनस वन ने मल्टीप्लाई किया तो माइनस फाइव बाई फोर हो जाएगा प्लस फाइव बाई फोर लिखा मैंने फाइव बाई टू लिखा वो भी गलती ऐसा है, तो ये शिफ्ट हो गया ये और ये हो गया कितना होता है माइनस फोर माइनस वन कितना माइनस फोर, ठीक है ना, आप ये ऐसा ही रहने दो या इसको और सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई टू किया तो टू एक्स टू टू जो फोर मल्टीप्लाइंग बाई फोर क्या होगा ये फोर एक्स फोर टू जेड और ये, ठीक है, तो इस तरह से आप करो ये वाला भी चलेगा ये वाला भी चलेगा दोनों आंसर एक्सेप्ट करो, ठीक है, त्याच्यापेक्षा सकाळी इथे या एक तर घरी अभ्यास